तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं करेले लिए, करेले इसको बनाए, इनको बनाएंगे आज लिए थे और मैंने इसको करो लिए, तो देखते रहिए। इतने मैंने करो लिए, इनको करो के फिर इसको उबालेंगे, थोड़ा सा बफा लेंगे और बफा के तब इनको बनाएंगे, तो दोस्तों देखते रहिए। सारे ऐसे करेंगे, तो यहाँ दोस्तों मैंने देख लिए, देखिए मैं छोड़ लिए इनको, करो लिए अच्छे से, इनको धुलेंगे, धुल के इनको चीर के सारा निकाल के तो बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने मसाला बना लिया करेले के लिए, इसमें धनिया और सारा कुछ डालना था और मैंने फ्राई उसको उबाल लिया है, बॉयल कर लिया, उसमें हल्दी डाल के मसाला पका के भरेंगे, तो आप सबको हम दिखाएंगे। और देखते रहिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अभी दिखाएंगे सभी को, ये देखिए मैंने करेले भी निकाले, मसाला भी बना लिया, अब इसको इसमें कढ़ाई में पकाएंगे।
दोस्तों अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, मसाला को बना लेंगे, मसाला को और बना के तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें भर दिया है मसाला भर के, और तो इसमें पकने के लिए छोड़ दिया है, इसमें सारा मसाला भर के पकने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों बन जाएंगे, सभी को दिखाएंगे हम। तो दोस्तों ऐसे ही बनाना है, तो देखिए जितनी धीम गैस रहेगी उतने ही बढ़िया पकेंगे और अच्छे लगेंगे देखने में खाने में, और जितना तेज पे पकाओगे आँच पे उतने ही जल जाएंगे पर पकेंगे नहीं, अच्छे नहीं बनेंगे। और इनको अच्छे से ऐसे ही थोड़ी सी कम गैस पे पकाना है और तब अच्छे से पकेंगे। जैसे हमारे क्योंकि ये है कितनी बहुत स्लो गैस पे रखने हैं, और जब खुद पक जाएंगे खुद लाल लाल हो जाएंगे तब आप दिखाएंगे हम सबको किस तरह से बनते हैं करेले। खाने में भी टेस्टी होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए जैसे ये पक रहे हैं ऐसे पकेंगे बढ़िया से, और जलाना नहीं, जल जाएंगे तो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे, टेस्ट इसका अलग रहेगा। और जब बढ़िया से पकते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में बनाएंगे रोटी, तो ऐसे ही पकाने हैं, तेज गैस पे नहीं दोस्तों पकाने हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आप सबको हम दिखाएंगे दोस्तों जब हमारे बन जाएंगे करेले, आप सभी को दिखाएंगे। कैसे बनाने चाहिए कैसे नहीं बनाने चाहिए, तो ऐसे जो कच्चे होते हैं उनको ऐसे ऐसे करके घुमा दें, घुमा के हिला दें, हिला के ऐसे पकते रहें, जो ऐसे एक ही तरफ देखना भी देख लेना चाहिए किस तरफ से पके हैं किस तरफ से कच्चे हैं, उधर को घुमा देना चाहिए और ऐसे महक भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको अब इसे हो गए हैं ऐसे, और इसको ढक देना चाहिए, नहीं तो इसको करुआपन मारेगा। ये करवाएंगे खुले पकेंगे, जैसे बंद करके रखोगे तो करुआ नहीं लगेगा, ये ऐसे खुले में पकते हैं तो करुआ जैसे लगते हैं। और इसको ढक दे ऐसे, तब अच्छे से पकेंगे। अब इसको मैं ढक देती हूँ 2-4 मिनट के लिए। तो दोस्तों देखिए हमारे करेले बन गए हैं, देखिए कितने अच्छे पके हैं, कितने बढ़िया से पके। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे हमारे करेले पके, कहीं पे जले नहीं हैं, कितने लाल लाल पके हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगेंगे, बहुत टेस्टी, खूब अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा।